देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूं कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है, 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ आईआईटी कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया है। 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है, वो तो मैंने नहीं किया। कुछ लोग सही धीरे, वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बाला कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है, उसका 52वां सर्ग जो है, उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा। बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले 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 जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। खेद आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इससे का मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ। शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है और ये मैंने लिखा है क्या। राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में रामलला की लहर है, ऐसा मुझे क्या कहना है इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं किसी के ही भावनाओं को ठेच नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के, अरे मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ अमेरिका में कर, अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ एक जबान का आदमी हूँ, और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।